भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर अपने स्थान से 3 मीटर आगे स्थित 4 मीटर व्यास वाले गड्ढे में आ गया। इसरो ने एक्स पर तस्वीरें साझा की और कहा 27 अगस्त 2023 को रोवर को अपने स्थान से 3 मीटर आगे स्थित 4 मीटर व्यास वाला गड्ढा मिला। रोवर को पथ पर वापस लौटने का आदेश दिया गया। ये अब सुरक्षित रूप से एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इसरो ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 23 अगस्त यानी कि बुधवार को चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारा और ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसरो ने रविवार को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर चांद के सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड से पहला अवलोकन जारी किया। इसरो ने अपने नवीनतम बयान में कहा कि चाएस्टी ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफाइल को मापा है। अंतरिक्ष एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जांच में 10 व्यक्तिगत तापमान सेंसर लगे हैं। इसरो ने एक ग्राफ जारी किया है जो गहराई के साथ चंद्रमा की सतह के तापमान में बदलाव को दर्शाता है। जांच में विभिन्न गहराइयों पर चंद्रमा की सतह और निकट सतह के तापमान में विभिन्नता दर्ज की। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की पहली तापमान गहराई प्रोफाइल तैयार की है। इससे पहले रविवार को चंद्रमा की सतह पर घूम रहे डेटा एकत्र कर रहे प्रज्ञान रोवर के बारे में बात करते हुए इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि वो सब कुछ सही रास्ते पर है और अगले कुछ दिनों में सभी प्रयोग पूरे होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, चंद्रयान 3 लैंडर रोवर बिल्कुल स्वस्थ है और बोर्ड पर मौजूद सभी 5 उपकरण चालू कर दिए गए हैं और ये सब सुंदर डेटा दे रहा है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 3 सितंबर से पहले 10 दिन शेष रहते हुए हम सभी प्रयोगों को विभिन्न विधाओं की पूरी क्षमता के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके परीक्षण के लिए अलग अलग तरीके हैं, इसलिए हमारे पास चंद्रमा की अब तक की सबसे अच्छी तस्वीरें हैं। सोमनाथ ने कहा कि ये विज्ञान और अध्यात्म दोनों की खोज करते हैं, जिसके लिए वो मंदिर में जाते हैं और धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि वो बाहरी आत्म के लिए विज्ञान करते हैं और आंतरिक आत्म के लिए मंदिरों के दर्शन करते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक खोजकर्ता हूँ, मैं चंद्रमा का अन्वेषण करता हूँ, मैं आंतरिक स्थान का अन्वेषण करता हूँ। तो ये विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की खोज करना मेरे जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है, इसलिए मैं कई मंदिरों में भी जाता हूँ और कई धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ। इसलिए इस ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व और हमारी यात्रा का अर्थ खोजने का प्रयास करें तो ये संस्कृति का एक हिस्सा है जिसे हम सभी आंतरिक आत्म के साथ साथ बाहरी आत्म का पता लगाने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए बाहरी के लिए मैं विज्ञान करता हूँ, आंतरिक के लिए मैं मंदिरों में आता हूँ। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।